देश के अगले राष्ट्रपति के नाम को लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में कई नामों पर चर्चा चल रही है। आपको बताते चले कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। काफी समय से एनडीए गठबंधन और विपक्ष के राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवारों के नाम पर जबरदस्त अटकलें और कयासबाजी चल रही है। इस बीच खबर आई है कि देश की सत्ता पर प्रचंड बहुमत से काबिज बीजेपी इस बार राष्ट्रपति पद के लिए किसी आदिवासी उम्मीदवार को उतारने पर विचार कर रही है। यानी बीजेपी ने ट्राइबल कार्ड चला तो देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिल सकता है। दरअसल देश के प्रथम नागरिक को चुनने के लिए होने जा रहे चुनाव के जरिए बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव के समीकरणों को भी ध्यान में रख रही है। इस तरह बीजेपी एक तीर से कई अचूक निशाने लगाने की जुगत भिड़ा रही है। बताते चले कि लोकसभा की 543 सीटों में से 47 एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित है। 62 लोकसभा सीटों पर सीधे सीधे आदिवासी समुदाय प्रभावी है। फिलहाल केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जुअल ओराव और पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नामों पर राष्ट्रपति पद के लिए चर्चा हो रही है।